Hello everybody, Assalamualaikum, welcome back to my channel where my reaction today once again. So guys, I hope you all are doing fine. Today I'm back with another interesting reaction और आज मैं जिस वीडियो पे अपने reaction देने वाली हूँ उसका टाइटल है पाकिस्तानी एक्टर्स वर्सेस टर्किश एक्टर्स Top 10 most handsome actors from Pakistan and Turkey. I hope आप लोग टाइटल सुन के तो काफ़ी एक्साइटेड हो गए होंगे क्योंकि इस तरीके की वीडियो जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है. तो चलिए रहते हैं इस पर अपना रिएक्शन और बाकी बातें हम लोग करेंगे वीडियो देखने के बाद. सो गाइज स्टे ट्यून्ड टिल द एंड एंड यस डू सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू रिसीव फ्यूचर नोटिफिकेशन. सो नाउ Let's watch this video. Okay, so this is the first Turkish actor. Okay, so versus Bilal Abbas Khan. Okay, तो मैं इसमें Bilal Abbas के साथ जाऊंगा. Work until Bilal Abbas. Okay. You know, I have never seen this Turkish actor, I will say. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. Number 9, Ahad Razami. Versus Travis Arden. Okay, I have never seen this Turkish actor once. No. I think I will go with Ahad Razami. Ahad Razami is good. Okay, this is Fahad Mustafa. Who's this actor? ये मैंने Turkish actors guys कभी देखे ही नहीं हैं ये वाले. Fahad Mustafa was a soup group. Turkish names are very difficult to pronounce actually. Okay, Bilal Ashraf. I have never seen Bilal Ashraf in any of the dramas. Okay. I think he is more handsome. The circle. I think in this one, Turkish actor is your hands. Now let's see, ab kaun aata hai? Okay, now Firoz Khan. He is Firoz Khan, okay. Versus this tall Gahan. Those Turkish names are very difficult to pronounce, I would say. Okay, तो मैं इसमें Firoz Khan के साथ जा रहा हूँ.
I have seen Feroz Khan's Chhaane drama. Okay, now Kiwans. Kiwans, so, you know, he looks like Robert Pattinson, I would say. Versus Shahryar Munawar. Okay. Guys, मैं बोलूँगी दोनों एक्टर्स की शक्ल जो है वो काफ़ी मिलती जुलती है. ये दोनों काफ़ी मिल रहे हैं फेस वाइज. ओके सो आई गो विद शहरयार मुनव्वर. आई थिंक शहरयार मुनव्वर मोर हैंडसम. Now on 4, Engine Alton. और जब Engine Alton एत्रो आ जाता है तब तो मेरे कोई चांस भी नहीं था कि दूसरा कोई भी हो XYZ. ओके हमजा अली अब पासी है तो I'll go with Engine Alton because he is my favorite. He's one of my favorite Turkish actors. अब देखते हैं नेक्स्ट कौन है. आई एम रियली क्यूरियस टू नो. ओके सो नंबर 3 इज दानिश तैमूर. अब देखते हैं कि दानिश तैमूर को किससे कंपेयर किया. बुराक वाज दिस ओ गॉड उस्मान फेस Borat say, you know, so I definitely go with Borat. No, I think he is extremely handsome. This man. This man I think it's a comparison. होना ही नहीं चाहिए इन टर्म्स ऑफ लुक्स. नाउ फवाद खान. अब देखते फवाद खान का कंपैरिजन किससे है. वर्सेस अकिन. ओके हु इज दिस. आई डोंट नो हिम सो आई विल गो विद डेफिनेटली फवाद बिकॉज़ आई थिंक फवाद इज वेरी हैंडसम. Storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And we'll go. Number 1 is Imran Abbas. इमरान अब्बास को किससे कंपेयर किया गया है. वर्सेस बुराक डेनिस. ओके मींस दैट फातिमा गुल मूवी वाज देयर इफ आई रिमेंबर. ओके सो आई गो विद इमरान अब्बास. आई गो विद इमरान अब्बास. टॉप 10 एक्टर्स टर्किश एक्टर्स वर्सेस पाकिस्तानी एक्टर्स. और मैं बोलूँगी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगा ये वाला रिएक्शन लेना. और मेरे जो मोस्टली एक्टर्स थे फेवरेट वो पाकिस्तानी एक्टर्स थे बिकॉज यू नो बिकॉज आई हैव सीन देम इन ड्रामास. सीन देम ऑलवेज सो दैट्स वाई यू नो आई एम वेरी फेमिलियर विद देयर फेसेस. और ऑब्वियसली यू नो वो एक्चुअली में भी ज़्यादा हैंडसम थे मैं ये बोलूँगी कुछ टर्किश एक्टर्स के साथ. बट यू नो जब बात आई इंजन ऑल्टन की तब तो और उस्मान बे की तो ऑब्वियसली मेरे पास अगर कोई भी होता कोई इंडियन एक्टर भी होता तो मैं इंजन ऑल्टन और बुराक आई थिंक उस्मान बे का रियल नेम है
उस्मान बे को ही यू नो सिलेक्ट करती, बिकॉज आई थिंक दे बोथ आर एक्सट्रीमली हैंडसम, एंड आई विल से इंजन आल्सन और उस्मान बे की मैं एतुल गाजी के बाद बहुत बड़ी फैन बन चुकी हूँ. तो ऑब्वियसली यू नो हमजा अली अब्बासी और इंजन आल्सन का जो कंपैरिजन था उसमें मुझे इंजन आल्सन को ही यू नो सिलेक्ट करना था. एंड देन उस्मान बे के साथ जो था तो उसमें भी यू नो दानिश तैमूर आई थिंक, या तो उसमें भी कोई डाउट ही नहीं था. सो गाइज आई विल से यू नो मैंने ज़्यादा तुर्किश सीरीज नहीं देखी है. आई हैव सीन फेरिहा, फातिमा गुल एंड दिस एतुल गाजी. तो मुझे ज़्यादा एक्टर्स के बारे में आई एम नॉट फेमिलियर, बट जो कंपैरिजन था मैं बोलूँगी उसमें पाकिस्तानी एक्टर्स जो थे वो मुझे ज़्यादा हैंडसम लगे इंजन ऑल्सन और उस्मान बे को छोड़ के, उनकी तो बात ही अलग है. सो गाइज दिस इज़ माई रिएक्शन ऑन दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे चैनल को. फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन. सो दैट्स इट फॉर टुडे. नाउ आई विल मीट यू इन अनदर रिएक्शन वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स. बाय बाय.